वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा ख़तरनाक सा फहीता रोल्स बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपीज सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें, हमारे पास चिकन है, चिकन ब्रेस्ट, जिसको लंबाई में इस तरह से काट दिया है। ज़्यादा मोटे मोटे पीसेस नहीं रखे, बड़े छोटे छोटे, ताकि झटपट पक जाए और मैनेजेबल भी रहे। तो ये है 1.5 पाउंड यानी 750 ग्राम के आसपास। इसको अब हम झटपट मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हम डालेंगे 1/2 कप ऑरेंज जूस। आप किसी भी किस्म का ऑरेंज जूस ले सकते हैं, एक ऑरेंज को निचोड़ के भी डाल दें, बड़ा अच्छा रहेगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून भर के नमक। साथ ही हमारे पास यहाँ कुछ स्पाइसेस हैं, जो कि कुछ यूँ हैं: 1 टीस्पून अनियन पाउडर, ना हो तो स्किप करें, 1 टीस्पून ऑरिगनो, अगर ना हो तो इसकी जगह इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, इसकी जगह गार्लिक पेस्ट डाला जा सकता है, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, अगर ना हो तो ब्लैक डाल दें, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, तो आप इसमें 2 टीस्पून डाल सकते हैं ब्लैक पेपर अगर वाइट ना हो तो। तो ये सब चला जाएगा इसमें। अब इसको हम मिलाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको अगले दिन मैरिनेट करके रख दें फ्रिज में, बड़ा मज़ेदार सा हो जाएगा। और अगर टाइम ना हो तो मेरी तरह अभी बना लें। और अगर आपके पास ऑरेंज जूस ना हो और बिल पर पाइनएप्पल जूस हो तो वो डालेंगे, तब भी बड़ा मज़े का लगेगा। अब इसमें साथ ही हम कुछ वेजिटेबल्स भी मैरिनेट कर लेंगे। चूँकि हमने पीसेस इतने छोटे किए हैं, बारीक बारीक, तो इस पॉइंट पर हम डालेंगे 1 अनियन है, जो कि मेरी मीडियम साइज़ की थी, इसकी स्लाइसेस कर ली है, तो ये होगी अराउंड 3/4 कप। यहाँ हमारे पास हरी मिर्च है, जो कि तेज़ नहीं है, हालोपिनोज है, तो इसलिए मैंने बीज भी रहने दी है और ये काट ली है, ये भी अराउंड 1 कप के आसपास है। इस जगह आप ग्रीन शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। आधी येलो बेल पेपर है और आधी रेड बेल पेपर है, लेकिन चूँकि ये तेज़ नहीं है इसलिए मैंने ये लिए, आप लोग फील फ्री जो भी ले लें। तो ये सारी चीज़ों को अब डाल देंगे हम अपनी चिकन में। अच्छे से मिला लेंगे। अब 1 टेबलस्पून ऑयल और डाल देंगे, ये जो हमने पेपर्स डाली है और अनियन डाली है इसके लिए। तो यहाँ हमारा पैन गरम हो गया है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल डाल लें और अगर चाहें तो ऐसे ही डाल लें, क्योंकि डाला तो है इसमें। फ्लैट कर लेंगे, ओवरलैप नहीं रखेंगे, और फ्लेम हमारी है हाई। देखिए 3-4 मिनट के आसपास हो गए हैं, तो अब इसको हम थोड़ा सा उलटते पुलटते हैं। तो यहाँ देखें, फहीता को कुक होते हुए ऑलमोस्ट 10-12 मिनट के आसपास हो गए हैं, और मैं बताती हूँ आपको ये कितना अच्छा सा टेंडर हो गया है और जूसी भी है। ये देखें कितना मज़े से टूट रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकाल लेते हैं। और इस पैन को थोड़ा सा पोंछ लेते हैं। फ्राई पैन को हमने पोंछने के बाद अगेन चूल्हे को ऑन कर दिया, बिल्कुल लो पे रखा है। और मेरे पास यहाँ तौतियाज है, ये मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, अदरवाइज आप रेडीमेड ले सकते हैं, गेहूँ की बारीक पतली रोटी जो होती है ना घर की, वो भी ले सकते हैं। तो ये रखेंगे और यहाँ डालेंगे फहीता की एक लेयर इस तरह से। और अब इसमें हम डालेंगे फ्राइज़। तो ये फ्राइज़ मैंने बनाई है,
अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक किया देती हूँ, स्पाइसी फ्राइज है, अदरवाइज आप कोई भी रेडीमेड भी ले सकते हैं। और इसको मैंने एयर फ्रायर में रख दिया था 400 डिग्री पे 5 मिनट्स के लिए, तो ये अच्छी सी हो गई है, गर्मा गर्म है। तो इसकी लेयर लगा देंगे और आप इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सार क्रीम, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह आप कोई भी सॉस भी अपनी पसंद का डाल सकते हैं, दही फेंट के भी डाल सकते हैं, दही और मलाई मिला के भी डाल सकते हैं, क्रीम डाल सकते हैं, फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। और हल्की सी चीज़ डालेंगे, बिल्कुल अराउंड 2 टीस्पून के आसपास, और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हल्का सा ऑयल ड्रिजल करेंगे, यहाँ स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। और अब इसको हम रख देंगे सीम साइड डाउन, यानी जो नीचे है खुला हुआ पोर्शन है उसको यूँ डाल देंगे। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे। अब वो जो पहला डाला था उसे देख लेते हैं, ये देखें अच्छा सा हो गया, इसको पलट देते हैं। तो अब ये जो हो गए हैं ना, इसके ऊपर हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो वो डाल दें, केचप है तो वो डाल दें, टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। इसको भी पलट देते हैं। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज स्प्रिंकल कर देंगे। और अब इसे कवर कर देंगे और थोड़ा सा इस तरह से घुमाते रहेंगे ताकि लेवल हीट मिले फॉर 3 or 4 मिनट्स के आसपास। देखिए 5 मिनट के आसपास हो गए हैं, चूल्हे को करते बंद और उसको एक आध मिनट इसी तरह रहने देते हैं। चीज़ देखिए हमारी मेल्ट हो गई है कम्प्लीटली। बार बार मैं इस तरह से रोटेट करती जा रही थी जैसे कि आपको बताया था, तो बस 2 मिनट में डिश आउट करते हैं। देखिए 2 मिनट हो गए, खोलते हैं, देखें कैसा यमी लग रहा है, चीज़ी चीज़ी, जबकि थोड़ी थोड़ी डाली है लेकिन मेल्ट कैसी ख़तरनाक हुई है। और ये मैं काट के बताऊंगी आपको। और ये देखिए नीचे से कैसा लग रहा है, और अब इसे काटते हैं। इसको भी रखते हैं यहाँ, चटनी को यहाँ रखते हैं। किसी भी किस्म का सॉस ले सकते हैं, ये मैंने ग्रीन सॉस लिया है। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से फहीता रोल्स बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। इतना जूसी है, इतना फ्लेवरफुल है, और जो फ्राइज डाली है ना उससे एक फ्लेवर एकदम हट गया है, अलग सा हो गया है। आप लोगों के लिए तो बाइट बनता ही है। इतना फिलिंग है, इतना सूदिंग है। तो मज़े को याद ये कि आप ये बना के अब फ्रीज भी कर सकते हैं,
जैसे रोल बना के रख लिए और उसके बाद जब थाव हो गए उसको एयर फ्राई में डाल दें, फ्राई पैन में कर लें, अवन में कर लें, किसी भी तरह से कर लें और फ्रेश फ्रेश करके खाएं, इफ्तार में भी खा लें, सहरी में भी खा लें, इतना कंफर्टेबल है। देखा चिकन भी इतनी टेंडर है, चबाना ही नहीं पड़ता है, इतनी सॉफ्ट और मज़ेदार, तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी लीजिए, आए बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।